Assalamualaikum, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद 946 एंड वेलकम टू माय ज़राज सीरीज एपिसोड नंबर 4, जिसमें आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑर्डर कंफर्म करके उसको शिप कर सकते हैं। अब शिप करने का तरीका क्या है वो ज़रा सेपरेट है, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। इवन के एक प्रोडक्ट है उसको पैक कैसे करेंगे, उसके अंदर जो उसकी जो इनवॉइसेस हैं वो कैसे हम लोग उसमें रखेंगे, कैसे हम लोग उसकी इनवॉइसेस को यूज़ करेंगे। अभी जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अपने ऑर्डर को राइट वे से कंफर्म कर सकते हैं, उसकी इनवॉइसेस कैसे हम प्रिंट आउट करके उनको निकाल सकते हैं और ऑर्डर भेज सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आके अपना दराज सेलर अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर टोटल 1 ऑर्डर जो हमारा यहाँ पर शो किया जा रहा है। उसके बाद आप या तो यहाँ पर टोटल पे जाएं, यहाँ पर 1 पे जाएंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा अपना ऑर्डर। और दूसरा ऑर्डर एंड रिव्यू, जहाँ पर आप जाएंगे मैनेज ऑर्डर्स में, तो आप मैनेज ऑर्डर्स में जैसे ही जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। ये पेज बाय द वे मैंने सेपरेट करके रखा हुआ है, इस वजह से रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपके पास यहाँ पर टाइम दिया जाएगा 15 अक्टूबर 2020, यहाँ पर टाइम दिया गया। उसके बाद 51.7 आवर लेफ्ट हमें यहाँ पर भी दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है अभी क्रॉस, यहाँ पर रेडी टू शिप। उसके बाद यहाँ पर प्राइस लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पर पेंडिंग सिंस कब से 8 आवर्स। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस बंदे ने आपको यहाँ पर ऑर्डर दिया है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज सामने आ जाएगा जहाँ पर ऑर्डर की डिटेल्ड, जो बिल्कुल एक्सैक्ट डिटेल होगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कहाँ से ऑर्डर हुआ है, किस जगह से हुआ, किस लोकेशन से हुआ, किस मोहल्ले या किस गली से हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नेम आ जाएगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है या फिर ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं, ये भी सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टाइम, डेट्स एंड सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्डर कन्फर्म करने में। तो ऑर्डर कन्फर्म कैसे होगा, ऑर्डर कन्फर्म यहाँ पर इनवॉइस, हमें यहाँ पर इनवॉइस चाहिए। तो इनवॉइस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, इसको यहाँ पर आपने टिक कर देना है, और यहाँ पर सेट स्टेटस या तो रेडी टू शिप या कैंसिल करना है वो आपकी मर्ज़ी। कैंसिल कौन करेगा, नहीं करने वाले जब ऑर्डर आएगा तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्टिव फॉर्म, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर प्रिंट स्टॉक चेकलिस्ट, प्रिंट इनवॉइस एंड प्रिंट शिपिंग लेबल। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो सब प्रिंट कर देते हैं, बट आपको यही रेकमेंड करूँगा जो हम लोग करते हैं, एक इनवॉइस हम लोग जो प्रिंट आउट कर लेते हैं, जो कि ऑर्डर के अंदर हम लोग जो भी चीज़ हो, जो भी पैकिंग जब हम लोग करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कैसे अपने ऑर्डर में आप इनवॉइस लगाएंगे। एक आप इनवॉइस जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं, और सेकंड शिपिंग लेबल आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इनवॉइस नंबर मांगेगा। अब इनवॉइस नंबर क्या होता है और आप इसको कैसे सेट करेंगे, ये आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब यहाँ पर क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इसको नंबर 9 देते हैं और सेव इनवॉइस आईडी कर देते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पर सेव इनवॉइस आईडी करेंगे तो हमारे पास जो शिपिंग लेबल जो हमने प्रिंट आउट के लिए निकलवाना है वो हमें यहाँ पर शो आउट कर देगा। अब जो सेलर सेंटर जो हमारा लोगो भी साथ में आ रहा है, फुल जो हमें यहाँ पर अपना इनवॉइस है, जो कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट पैक करेंगे उसके अंदर जो हमने बिल, जिसको हम कहते हैं बिल जो है, वो हमने यहाँ पर रखना है। अगर तो आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो यू कैन गो हेयर एंड सेव एज PDF, एंड जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ पर सेव करके इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं बाजार से इजीली। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और बैक जाता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर जिस तरह के दिखा जा रहा है यहाँ पर के 3 पेजेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो शिपिंग लेबल है, वो शिपिंग लेबल आपके पास ये है, जो कि मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ।
आपका ये शिपिंग लेबल है जो कि आने वाली वीडियो में कैसे हम इसको प्रोडक्ट पैक करेंगे वो भी सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट यहाँ पर आपने जाना है अपनी शिपिंग जो है, शिपिंग मतलब के जो ये इनवॉइसेस हैं ये सारी आपने पीडीएफ में अगर सेव करनी है, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको पीडीएफ में सेव कर लें ताकि आप इसको किसी प्रिंटर के प्रिंटर वाले के पास जाके आप उसको इजीली जाके इसको प्रिंट आउट करवा सकें। उसके बाद जब जैसे आपके पास ये प्रिंट हो जानी है, आपने यहाँ से जाना है अपनी बैग पे, हम चलते हैं अपने ऑर्डर पे। तो यहाँ पर आपने जैसे कि आप यहाँ पर देखें प्रिंटर जहाँ पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर टिक हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर जाके सीधा सिंपली रेडी टू शिप कर दें। उसके बाद जब आप रेडी टू शिप करेंगे तो आपकी ये जो कस्टमर होगा उसके पास आपका मैसेज चला जाएगा कि योर प्रोडक्ट बीन बी रेडी टू शिप या समथिंग एल्स जो भी है। उसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, उसके बाद वाला प्रोसेस ये है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आप उस जगह पर जाके सबमिट करेंगे जहाँ से आपका प्रोडक्ट ही जाना है, मीन्स के कुरियर सर्विस जो भी है, जो कि ज़्यादातर TCS दराज के साथ लिंक्ड है। TCS ऑफिस जाके आप यहाँ अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं क्योंकि TCS की सर्विस दराज के साथ बिल्कुल फ्री है, दराज चार्जेस पे करती है। तो आप किसी भी TCS शॉप पे जाके इजीली अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। और सेकंड जो है दराज का वेयर हाउस, जो कि बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर शहर में होना चाहिए, बट जहाँ पर नहीं है वो TCS के थ्रू दे सकते हैं। बट जहाँ पर दराज वेयर हाउस है, जब मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर दराज वेयर हाउस है जो कि हमारे लिए बहुत ईजी है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे ऑर्डर कंफर्म करते हैं, किस तरह से लाइव करके आपको दिखाया कि हमारा जो लाइव अकाउंट है और लाइव ऑर्डर जो हमें आया है, मैंने लाइव ऑर्डर आपको कंफर्म करके दिखाया कि कैसे हम लोग अपना ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, कैसे इनवॉइस हम लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं, अगर प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, अगर प्रिंटर नहीं है तो हम कैसे PDF में सेव करके प्रिंट आउट निकलवा के उसमें डाल के शिप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे अपने जो प्रोडक्ट है उसको पैक करेंगे, पैक करके उसके जो इनवॉइसेस हैं उसको कहाँ से हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और कैसे दिखाएंगे, मतलब कैसे हम लोग ऑर्डर है हमारा फुल पैक्ड करेंगे और दराज को जाके देंगे। हम तो दराज को मतलब नहीं देंगे, जैसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग फुल पैक करके ऑर्डर कन्फर्म करेंगे, अपना ऑर्डर मतलब डिलीवर के लिए हम लोग रेडी करेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आएगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।